तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हमारी ट्रेन आने वाली है जो आएगी गंगानगर से इधर से चल के, और अभी हम जाने वाले हैं अजमेर। तो आपको पूरी जर्नी बताएंगे और अभी ट्रेन इधर से आने वाली है, वैसे टाइम तो हो गया ट्रेन का और जर्नी हम दिखाने वाले हैं। अभी हम खड़े हैं सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर, अभी देखते हैं ट्रेन कितनी देर में आती है और आपको पूरी जर्नी बताएँगे अजमेर तक की, सूरतगढ़ से अजमेर। पहले हम जाएंगे ट्रेन से, बाद में आगे जाएंगे बस से, तो ब्लॉग में आगे बने रहना। ट्रेन आने वाली है, फिलहाल वेट कर रहे हैं ट्रेन का, इधर से आएगी ट्रेन, अभी देखते हैं आगे जाके। दोस्तों ये आ चुकी है ट्रेन कोटा एक्सप्रेस, अभी इसमें बैठते हैं और अपनी यात्रा करते हैं यहाँ से शुरू। गाइस 2 घंटे के लंबे सफर के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं बीकानेर, लेकिन अभी बीकानेर रेलवे स्टेशन से पहले ही ट्रेन रुक चुकी है। तो गाइस फाइनली ट्रेन चल चुकी है और अभी यहां से थोड़े नज़दीक है बीकानेर रेलवे स्टेशन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देख लो, अभी बीकानेर जंक्शन आने वाला है और ये है बीकानेर। टाइम हो रहा है 11:30 का, वैसे 11:10 का ट्रेन का टाइम है बीकानेर जंक्शन का, लेकिन ट्रेन लेट है। तो गाइज फाइनली अब पहुंच गए हैं देशनोक और यहाँ पे ट्रेन रुकेगी 2 मिनट, फिर चलेंगे यहाँ से आगे। तो
गाइज फाइनली ट्रेन नागौर जंक्शन पहुंच चुकी है और यहां पे पहुंचते पहुंचते ट्रेन हो गई है अपने निर्धारित समय से 2 घंटे लेट और यहां पे ये ट्रेन रुकेगी 5 मिनट, उसके बाद निकलेंगे यहां से आगे। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी 2-3 घंटे नींद लेने के बाद फिलहाल आँख खुली है और टाइम हो गया है, 6 बजने वाले हैं, आपको शायद दिख रहा होगा, देख सकते हो। अभी मकराना से आगे निकल चुके हैं, सांबर लेक पहुंचने वाले हैं, उसके बाद हमारा स्टॉपेज आ जाएगा जहाँ पे हम उतरेंगे और आगे बस से जाएंगे अजमेर। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहे, आगे की अपडेट देते हैं आपको। कल जी देखो कितनी सर्दी लग रही है, वास्तव में सर्दी है ही बहुत, एकदम कपड़े पहन के और के, ये देखो इसको सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही। ये देखो नीचे नीचे का सीन देखो भाई, सब सो रखे हैं कंबल ओढ़ के, हमने भी कंबल ले रखा है। ये देखो भाई, ये वही ट्रेन है जिससे हम पिछले 10 घंटे से जर्नी कर रहे थे और फाइनली फुलेरा जंक्शन आ गया है। और अभी सबसे पहले तो हम जाएंगे जंक्शन से बाहर और आगे का सफ़र है जो हम बस से तय करेंगे। तो अभी सबसे पहले तो जंक्शन से बाहर जाएंगे। गाइस यार यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, उम्मीद से ज़्यादा ही सर्दी है यहाँ पे, जो काफ़ी बड़ा स्टेशन है अगर कोई पहली बार आए। अभी हम बाहर निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन से, उसके बाद जाएंगे बस स्टैंड, आगे का सफ़र है तो बस से तय करेंगे। ये देख सकते हो भाई, तो गाइज रेलवे स्टेशन से देख सकते हो बस स्टैंड आ चुके हैं हम फुलेरा के, यहाँ पे लगेगी जो बस अजमेर को जाएगी। अभी हमने यहाँ से पूछा तो 7 बजे का बता रहे थे बस का, लेकिन अभी 7 से तो ऊपर का टाइम हो गया, अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितने देर में बस आती है, फिर आगे की जर्नी करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो गाइज फाइनली अजमेर पहुंच चुके हैं, ये देखो ये है अजमेर का बस स्टैंड। वैसे लेट हो गए थे क्योंकि हमारी ट्रेन लेट थी, तो पहले की 2 बसें हमारी निकल चुकी थी, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए यहाँ पे पहुंचते पहुंचते। ये है अजमेर का बस स्टैंड। और गाइज आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से और मिलेंगे आपको अजमेर की बेस्ट लोकेशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।